बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों। आज मैं आप रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन की रेसिपी दूंगी, जिसके लिए मैंने कुछ सब्जियां और चिकन का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर शिमला मिर्च जाएगी, अंडा जाएगा, प्याज जाएगा और गाजर और ये बंद गोभी। इसे मैं सबको चॉप कर लूँगी और इसके अंदर ये चिकन है जो कि मैंने थाई का लिया है, और इसे इस तरह के स्ट्रिप में काट लेना है पतला पतला। और ये जूसी पार्ट होता है जो थाई वाला होता है, इसके अंदर मसालों में ये काली मिर्च आएगी, नमक, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, और इसकी बाइंडिंग के लिए हम कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे, सॉसेस के लिए सोया सॉस, सिरका और चॉप लहसुन, चिली सॉस, केचप और ऑस्टर सॉस। और इसके लिए मैंने ये स्पैगेटी ली है, इसे भी मैं बॉईल करूँगी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करूँगी। इसके अंदर मैं एक ये अंडा डाल दूँगी, ये तकरीबन एक पाव चिकन है और उसके अंदर एक अंडा जाएगा, और इसके अंदर ये केचप चला गया, एक टेबलस्पून ऑस्टर सॉस, एक टीस्पून चिली सॉस, एक टीस्पून, और इसके अंदर ये सोया सॉस चला गया, एक टेबलस्पून। अच्छे टेस्ट के लिए ये चिकन पाउडर डाल दूँगी, आधा टीस्पून ही इसके अंदर काली मिर्च चलेगी, और आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च, और 2 टेस्ट नमक। नमक ध्यान से डालना है, क्योंकि ये आधा टीस्पून ही डालूँगी क्योंकि सॉसेस के अंदर नमक काफ़ी मिकदार में होता है। और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है और इसे मिक्स कर दूँगी। इसे मिक्स करके मैंने रख देना है ताकि इसकी अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए, इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। अगर मौसम गर्म है, अगर ठंडा है तो इसे बाहर ही रहने दें। अब मैं एक सॉस तैयार करूँगी, जिसके अंदर मैंने ये काली मिर्च डाल देनी है आधा टीस्पून, और आधा टीस्पून ही नमक चला जाएगा। अब मैं एक सॉस तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने सफ़ेद मिर्च ली है आधा टीस्पून, एक टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, और केचप लिया मैंने एक टेबलस्पून, और सिरका भी मैंने एक टेबलस्पून लिया है, ऑस्टर सॉस, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा इसके अंदर, ये भी एक टीस्पून है, और एक टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस, और चिली सॉस आप 2 टेस्ट डालें जितना आपको टेस्ट पसंद है। अगर तीखा पसंद है तो 1 टेबलस्पून डाल दें, 1.5 डाल दें, मैं 1 टेबलस्पून डाल दें उसके अंदर। ये हमारी एक सॉस तैयार हो गई है जो हम चाउमीन के अंदर डालेंगे। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी जो कि आधा टीस्पून है, फिर इसके बाद मैं चक्के भी डाल सकती हूँ, और इसे मैं मिक्स कर दूंगी। मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन बनाने के लिए भी हमारी सॉस तैयार हो गई है। अब मैं इसे साइड पर रख दूंगी। अब मैं स्पैगेटी को उबालूंगी। स्पैगेटी उबालने के लिए मैंने एक स्टील का पतीला लिया है, इसके अंदर मैंने खुला पानी डालना है, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाल दूंगी, और ये पानी भी उबल रहा है, और इसके अंदर ये मैं इसे तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, इसे मैंने इसी तरह खुला पकाना है क्योंकि इसे एक उबाल भी आएगा। और इसे मैंने हल्का हल्का इस तरह हिला देना, बाज़ दफ़ा ये पेंदे के साथ भी चिपक जाती है। बिल्कुल आसान तरीके से मज़ेदार चाउमीन बनाने के लिए मैंने ये स्पैगेटी को उबलने के लिए रखा था। ये दरमियानी आँच पे उबल रही थी, और ये हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी क्योंकि हमने आगे भी इसे कुक करना है। ये तकरीबन 90% तक गल चुकी है, और इसे 80% तक भी अगर गली हुई हो तो फिर भी ये अच्छी बनकर तैयार होती है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसका पानी निकाल दूँगी फ़ौरन के फ़ौरन, और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूँगी। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो मैरिनेट की हुई चिकन थी इसे मैं फ्राई करूँगी। चिकन की कटिंग आप अपनी पसंद से स्ट्रिप में या स्लाइस में कर सकती हैं, जिस तरह की आपको पसंद हो। अब मैं इसे इसी तरह 30 सेकंड तक पकने दूँगी मीडियम आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं हमने करनी, और 30 से 35 सेकंड के अंदर फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी।
याद रहे कि आपको ब्रश का पीस नहीं लेना, हमने थाई का पीस लेना है जो कि बहुत जूसी और नरम होता है और ये आसानी से कम वक्त में फ्राई हो जाता है। 7 से 8 मिनट में ये इस तरह का गोल्डन हो जाएगा, फिर मैं इसे निकाल लूँगी। और इस चिकन को भी मैंने निकाल लेना। मज़ेदार चाउमीन बनाने के लिए मैंने एक ये कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं सेसमी ऑयल डालूंगी। आप कोई भी ऑयल डाल सकती हैं। इसमें तिल का तेल तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी और इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून भर के काफ़ी सारा मैंने लहसुन बारीक चॉप करके लिया है। अब मैं इसे हल्का सा फ्राई करूँगी। गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इसे बिल्कुल, इसका बस कच्चापन दूर करना है और ज़रा सा इसका पानी खुशक होगा तो हम इसके अंदर ये सब्जियां डाल देंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर गाजर डालूंगी। गाजर क्योंकि थोड़ी सी सख्त होती है, हल्की सी, बेशक हमने स्टफ फ्राई करनी है मगर इसे क्रंची रखना है, मगर जो ज़्यादा देर लगाती है वो गाजर ही है। ये डाल दूँगी इसके अंदर। आँच थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी और मैं इसे तेज़ आँच पे फ्राई करूँगी। अब मैं इसके अंदर ये चॉप प्याज और चॉप शिमला मिर्च डाल दूंगी, क्योंकि इनका जो टाइम है वो एक ही है फ्राई होने का। सब्जियाँ आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकती हैं जितनी आपको पसंद हो। इसे भी मैं इसी तरह स्टफ फ्राई करूँगी। अब मैं इसके अंदर ये बंद गोभी डाल दूँगी जो कि मैंने बारीक कद्दूकश की है। बंद गोभी डाल के मैंने सिर्फ 30 सेकेंड इसे फ्राई किया है इस तरह। अब मैंने ये सॉस जो बनाई थी सब सॉसेज मिला के ये इसके अंदर डाल दूँगी ताकि जितने भी सॉसेज हैं ये सब्जियों के अंदर गर्म हो जाए, इसका टेस्ट इसके अंदर डिवेल्प हो गया। सब्जियों को मैंने 1 मिनट तक पकाया है। अब मैं एक और टिप देती हूँ कि जब हम इस तरह नूडल्स उबाल के रखते हैं, बेशक ऑयल भी लगा हो तो चिपक जाते हैं। अब मैं इसे एक पानी के शावर के अंदर से निकाल लूँगी ताकि ये आपस में जो चिपके हैं ये लहदा लहदा हो जाएंगे। डालने से पहले मैं आपको दिखाऊँगी भी। ये देखें मैंने इसे धोया है और ये देखें आपस में ये चिपके हुए नहीं है बिल्कुल, ये सॉफ्ट और नरम है। मैं इसे हाथ से उठा के अंदर डालूंगी। अब मैं 2 चम्मच की मदद से इसे मिक्स करूंगी। कोई भी आप घर से 2 चम्मच ले लें, इसे दोनों तरफ से उठा के अपने मिक्स कर दें। और इसके अंदर ये फ्राई चिकन भी डाल दूंगी। देखें कितनी जल्दी हमारा ये मज़ेदार सा ये चाइनीज़ डिश चाउमीन बनकर तैयार हो गया है। ये आज के महंगाई के दौर में क्यों ना हम इसे घर में बनाकर तैयार करें, और ये सस्ता भी पड़ता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी चाउमीन बनकर तैयार हुई है और इसे बनाना बहुत आसान है। सिर्फ सॉसेज हैं, वही सॉसेज अंडे और कॉर्नफ्लोर के अलावा दोनों में सॉसेज एक जैसे गए हैं, मसाले एक जैसे गए हैं। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।